सुल्तान जिंदगी बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देती है अपनी मोहब्बत को हासिल करने का। आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैंने आज तक कभी जिद नहीं किया सर, लेकिन ये बात मुख्तलिफ है। आप ये बात जानते हैं ना कि मैं दिल से आपके साथ चलना चाहती हूँ। जानता हूँ, तुम भी तो समझो, अच्छा मेरी फैमिली है, उनकी भी तो जज्बात है, मुझे उन्हें भी तो देखना है ना। थोड़ा सा मेरे जज्बात का भी ख्याल कर लें। जिंदगी में आज तक आप हमेशा जीतते आए हैं, कभी नहीं हारे। क्या एक फाइट मेरे लिए नहीं कर सकते आप? आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर तुम लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आते हो तो इसमें हर्जी क्या है? कोई मुश्किल नहीं है, अम्मा थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं। वो इस बात पे अड़ गई है कि रिश्ता सिर्फ लड़के वालों को ही लाना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं अड़ गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? सुल्तान प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा सब कुछ तो आप ही हैं ना। अच्छा ओके ओके, रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। ठीक है, अगर तुम इतना इंसिस्ट करती हो तो मैं एक दफा कोशिश करके देख सकता हूँ। मुझे पता था आप मेरी मोहब्बत का मान जरूर रखेंगे। अब जब तुमने अपनी जिंदगी के लिए मेरा इंतखाब कर लिया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आगे तुम भी मेरा मान रखोगे। मेरा हर लफ्ज आपके लिए वादा है। अब जैसा चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। कोई ऐसी बात है तुम्हारे दिल में जो तुम कहना चाहती हो और अभी तक कह ना सकी हो? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी का ये सफर हम एक दूसरे का हाथ थाम कर गुजारते हैं। हम एक ऐसा घर बनाए जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो, मेरी आंखें सिर्फ आपको देखें और आपके लिए वाहिद मैं ही महफ़िल हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। शेली, खाला बेटा कुछ सोचो, ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए, बहुत बड़े लोग हैं। ये तो है, पता है अम्मी, पूरी फैमिली ग्रीन कार्ड होल्डर है। ये तो सरवर भाई अपनी अम्मी और बहन की वजह से यहाँ पाकिस्तान रह रहे हैं। दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं है, इतने दौलतमंद हैं, क्या बताऊं। दौलत को छोड़ो, वो तो है ही, लेकिन इतने बड़े लोग हमारे समधी बन जाएंगे, टोर बन जाएगी हमारी, खानदान में वाह वाह अलग होगी। और सोचो, इनसे अगर हमारा रिश्ता हो गया तो तुम्हारा रिश्ता भी किसी आला घराने में हो सकेगा। बिल्कुल सही कह रही है अम्मी। भाई प्लीज मान जाए ना, आप क्यों नहीं मान रहे? देखें, मैं आपको बता रही हूं, अगर आपकी असर से शादी हो गई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। मेरी नहीं, तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बन जाएगी। अच्छा चले, उसी की जिंदगी बन जाएगी तो बना देना उसकी जिंदगी। भाई प्लीज मान जाए, प्लीज। सुल्तान बेटा मान जाओ ना। अच्छा बस ठीक है, आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो ले जाए उनके घर पर रिश्ता, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या
ये तो बहुत बड़ी खबर है, मैं अभी असरा को कॉल करके खबर। एक सेकंड रुक जाओ, अभी फौरन रابطہ नहीं करो, लगेगा कि हम लोग बहुत डेस्परेट हैं। सुबह आराम से फोन कर लीजिएगा। और तुम बड़ों के मामले में तुम इंटरफेयर नहीं करोगी, गॉट इट? ठीक है। अबे ओ हीरो इधर। कहानी की शुरुआत करते हैं। Let's go. नाम है शाहरुख उर्फ शौकी और मैं हूं दमदार, जोरदार, जिम्मेदार, वफादार, आप लोगों का नौकर नहीं, हाउस हेल्प। पहली बार देख रही हूँ कि डिराली के सामने कोई निराला आया है। इतने भलम, वाह जी वाह। वेलकम टू द निराली हाउस। जो वो करता है वो कहता नहीं है, और जैसा वो दिखता है रातम रात पना तो राख, ऐसा वो है ही नहीं है। अच्छा अच्छा हो जाए, प्लीज प्लीज। कहाँ हैं आप, मैं कब से कॉल कर रही थी, कितना परेशान हो रही थी मैं, मेरी जान पे बनी हुई है यहाँ। अच्छा क्यों? मैंने आपसे कहा तो था जब मैं अपने घर वालों को मना लूंगा तो मैं आपको खुद कॉल करूंगा। आपने तो कहा था, लेकिन आप मुझे जानते हैं ना, मैं इतना ओवरथिंक कर रही हूँ, पता नहीं कब से क्या क्या सोचे जा रही थी। अच्छा पता है ना क्या बना भाई? फैमिली तो अपनी बात पर बहुत सख्ती से अड़ी हुई थी। मैंने उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि हमें असरा की मोहब्बत का मान तो रखना चाहिए। क्या मतलब है? आपने अपने घर वालों के सामने मेरी तो इमेज खराब कर दी ना, हालांकि क्या सोचेगी मेरे बारे में? आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों के सामने आपकी इज्जत, आपकी ग्रेस को डैमेज करूंगा? मैं
और हालात तो आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, वो आपके बारे में कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकती। तो फिर आपने उन्हें कैसे मनाया? समझाया उन्हें कि हमें आप लोगों की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खैर छोड़िए इन सब बात। आप ये बताइए, आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? आप में कोई एक बात, कोई एक अच्छाई हो तो मैं बताऊं। आप में इतनी अच्छाइयां, इतनी खूबियां हैं कि अगर मैं बताने लगूंगी तो मेरे अल्फाज खत्म हो जाएंगे। सुल्तान, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं और गुड लुकिंग भी। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़के में होंगी तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। ये सब तो आपकी नजर का कमाल है, वरना ये ना चीज क्या चीज है। अब आप परेशान मत हो, आराम से सो जाइए। कल शाम तक आपके घर गुड न्यूज पहुंच जाएगी। ओके, गुड नाइट, बाय। थैंक यू अला मियां, आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। सुल्तान, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं और गुड लुकिंग भी। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़के में होंगी तो मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी और लड़की होती तो दिल हार जाती। चल उतर, चल चेक कर, चेक कर, चल जो भी है निकाल। कुछ भी नहीं है मेरे पास। निकाल, चल निकाल, जल्दी कर, जल्दी हो। ए भागो यहां से, भागो, निकलो, निकलो यहां से। आप ठीक है? कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। आप चले मेरे साथ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं वो मैं ठीक हूँ। बात को समझने की कोशिश करें, ये इलाका सेफ नहीं है, डाकू आगे भी छुपे हो सकते हैं। आप मेरे साथ चले। नहीं हम चले जाएंगे। ट्रस्ट करें मुझ पे, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आ जाएं। मैंने कहा ना हम चले जाएंगे। नहीं शुक्रिया भाई, हम चले जाएंगे। ठीक है चले।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज ट्रस्ट हो गया मुझ पे? या आज भी आपने घर पैदल ही जाना है? आ जाइए, ड्रॉप कर देता हूं, आइए।
आई लव यू परिसा. मोहब्बत सजा बन जाएगी. विल यू मैरी मी प्लीज. मंजिल मिली ऐसी के जिसका रास्ता ना था जिंदगी का क्या भरोसा करे हमें खुद का. थैंक यू. खुश हो? बहुत. आपसे मिलने के बाद तो वैसे बहुत खुश हो जाती हूँ. अच्छा, ऐसी क्या खास बात है मुझे? कोई एक खास खूबी हो तो गिनवाऊं भी. आपकी अमेजिंग पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है. मेरी जगह कोई भी और लड़की होती तो दिल हार जाती. अच्छा, आप मुझे बताएं आपको मुझ में क्या खास बात दिखती है? मैं तो एक आम सी लड़की हूं. तुम में वो बात है जो तुम भी नहीं जानती. सिर्फ मैं जानती. पर सही वक्त आने पर बताऊंगा. तुम्हारी और बरलास की शादी की घर में बातें चल रही हैं. तुमको कैसे पता चला? घर की हर दीवार पे ये खबर है. मुझे पूरा बात बताओ. ये खबर काफी नहीं है कि तुम और बरलास एक होने वाले हो? मुझे लगता था तुमसे शादी बनाने की ख्वाहिश में अपने दिल में लेके मर जाऊंगा. तुम देखो मेरी मोहब्बत सच्ची है ना? मोहब्बत तो सच्ची है हमारी, पर कुछ नहीं दुश्मनी का बीज जो तुराब खान ने बोया है उसकी कटाई का वक्त आ गया है. अब अली में खुशियां मना रहे हैं, हम उसके खुशियां बर्बाद करेंगे. और दिखाओ. असरा रुको. हाय, व्हाट्स अप? बहुत खुश लग रही हो. कोई गुड न्यूज है? देखो जरा, तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं. मुझे वाकई कुछ नहीं पता. असरा, मेरे भाई को पसंद करती हो और मुझे तुमने हवा नहीं लगने दी. अच्छा, पता नहीं तुम क्या कह रही हो. मुझे वाकई नहीं पता इस बारे में कुछ. अच्छा, लेकिन पैगाम तो तुम्हारे घर से है ना मैडम? आया होगा. हो सकता है सर्वर भाई ने कहीं पे सुल्तान को देखा और उन्हें मेरे लिए पसंद कर लिया हो. हाँ शायद, दोनों काम भी तो एक ही फील्ड में करते, हजार बार मिलना जुलना होता होगा. ऐसे मेरे भाई है ही इतने काबिल, कोई एक दफा मिल लेना तो फैन हो जाते उनका. ये तो है. अच्छा सुनो, मामा शायद दोपहर में कॉल करें, लेकिन मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ हमारे घर में तुम्हें भारी अक्सरियत से चुन लिया गया है. अब जो कुछ भी होगा ना जल्दी जल्दी होगा. तुम दुल्हन बनने की तैयारी पकड़ो. हाला? हाँ. तुम खुश तो हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं बहुत खुश हूँ असरा. सोचो तुम भाभी बनके मेरे घर आ जाओगी, सोचो हम कितना मजा करेंगे. So happy. So happy too. चलो वरना क्लास के लिए देर हो जाएगी. चलो. सुल्तान बेटा, मुझे ये तो बताओ कि असरा के हाथ पर रसम के लिए कितनी रकम रखनी है?
ये क्या, ये तो खाली है। अम्मी से ब्लैंक चेक बोलते हैं, इसमें जितनी चाहे वो रकम लिख लें। ये तो ठीक हो गया भाई। और हाँ, मैं भी अपनी तरफ से ना एक गोल्ड का सेट दूंगी, कुछ कपड़े होंगे, ज्वेलरी होगी, सैंडल, परफ्यूम वगैरह, ये सब करूंगी मैं। और देखो, मिठाई किसी अच्छी जगह से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऑर्डर कर दिया मैंने शहर की सबसे एक्सपेंसिव शॉप से, आपके जाने से आधा घंटा पहले आपको डिलीवर हो जाएगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यखनी में चम्मच चलाओ बेटा। बुआ, मैं खुद करूंगी ना, आप वो पुलाव के लिए मसाला काटें, टमाटर प्याज जो भी काटते हैं। बुआ, गरम मसाला कहाँ पे है? यही रखा हुआ है बेटा। अच्छा, वो वहां पे हो गए। मैं तो यही रखा था, कहाँ चला गया ये? इसको इसमें थोड़ा सा चम्मच मिलाए, वो देखे वो बुआ लगे। सेंटर टेबल पर रख दे प्लीज, संभाल के इन्हें मार रखते हैं। वो जो कैंडल्स रखी हुई है ना, उन्हें लाए, उन्होंने वहां पर लगा दें। जी, एस्रा। जी अम्मा। बेटा, तुमने एक बहुत मुश्किल फैसला किया है। मेरा मतलब है कि जिस रास्ते पे तुम चल निकली हो, उस पे चलते चलते कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। उन लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को हल्का ना कर लो। अम्मा, आप परेशान ना हो, असरा माशाल्लाह बहुत समझदार है, सब कुछ हैंडल कर लेगी। मैं जानती हूं मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन बेटा, तुम ही उन्हें खुश रखने के लिए ना दौड़ती फिरो, वो भी तुम्हारा ख्याल करें। माँ, ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि बेटा, जब हम खुद किसी को पसंद करते हैं तो फिर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दुनिया के सारे सर्दो कर्म हमें खुद झेलने पड़ते हैं, ताकि दुनिया वाले हमारे फैसले पर हमारा मजाक ना उड़ा सके। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूं, कभी भी ऐसा मौका नहीं आने दूंगी कि कोई भी आपकी तरबियत पर उंगली उठाए। जी तेरे, मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे, सदा खुश। अलीजे, बेटा, इस घर की रौनक, इस घर की खुशियाँ सब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हैं। खुश रहो। थैंक यू। ये क्या है भाई? है? मेरे बहने के लिए समय जोड़ा रह गया क्या? अमन की फाख्ता हूँ मैं। इसमें क्या बुराई है मिलान साहब, उम्र में ही इस सफेद रंग को हमेशा याद रखना चाहिए। वैसे भी दमे आखिर हम सबने यही सफेद रंग पहनना है। दमे आखिर सुन रहे तुम? यानी ये इस खुशी के मौके पे भी ये कफन दफन की बातें कर रही है तुम्हारी माँ? अरे अरे, मैंने ऐसा कब कहा? आप भिनम नान साहब बात को कहां से कहां ले जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि उम्र के साथ ना ये सफेद रंग डिसेंट लुक देता है। तो दमे आखिर कहां से आ गया बीच में? एक सेकंड, अगर बाबा को ये सफेद सलवार कमीज नहीं पहनना तो आप कोई और ड्रेस रेडी करवा दें। सिंपल। अरे मेरे सुल्तान, तुम सोफे पे टांगे पसारे बैठे हो, जाना नहीं है सर क्या? नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे साथ जाओगे तुम? चलो तैयार हो जाओ। शाबाश। अच्छा, भी आप लोग तो जाए ना, देखता हूँ अगर काम से जल्दी फ्री हो गया तो आने की कोशिश करूँ। मनान साहब, निकाल दिए कपड़े, आ जाइए। हाँ, आ रहा हूँ, हो जाते तो तैयार। कोई नहीं, हो गई, बस अच्छी लग रही हो, ठीक है।
बुआ जी बेगम साहिबा क्या देख रही हैं झांक झांक के वो बेगम साहिबा बिटिया का दूल्हा बिटिया का दूल्हा देखने का बहुत शौक हो रहा है वो क्या है ना बेगम साहिबा हमारी बिटिया शहजादी है तो मैं ये देखना चाह रही थी कि उनका शहजादा कैसा होगा वो भी बहुत प्यारा है अल्लाह ने आपकी बिटिया का नसीब बहुत अच्छा बनाया आप तेरा शुक्र चले अब आके अंदर का काम भी देख लीजिए जल्दी चले चले अच्छा बाद में कर लेना ना भैया इतना सारा काम फैला हुआ है लोग आने वाले हैं चेंज भी कर भैया ये सब क्या है वो लोग पहली बार घर आ रहे हैं मैंने सोचा कुछ गिफ्ट्स ले लूं देखो कमी तो नहीं कोई कमी नहीं है आज तक आपने किसी चीज में कोई कमी छोड़ी है जो आज कोई कमी रहने देंगे फिर भी एक बार चेक कर लूं आप जानते हैं अब्बा के जाने के बाद आपने हमेशा मेरी छोटी से छोटी खुशी का छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने ही नहीं दी यू नो व्हाट यू आर द बेस्ट भैया इन द वर्ल्ड जितना मैं अच्छा हूं ना उससे ज्यादा तुम अच्छी हो तुम्हें पता है तुम्हारे होते हुए मैंने कभी बेटी की कमी महसूस नहीं हुई सुल्तान के लिए इतना कुछ और मेरे लिए कुछ नहीं हाँ बंदे बंदे की बात होती है पर्सनालिटी भी कुछ चीज होती है भाई सुल्तान खास हैं इसीलिए ये सब डिजर्व करते हैं सुल्तान खास है इसीलिए मेरी असरा को डिजर्व करता है भाभी ये बताएं ये कैसा लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है येलो ऑलवेज सूट्स यू बहुत खूबसूरत लग रहा है नहीं पता नहीं मुझे लग रहा है ये कलर भी ठीक नहीं मैं चेंज करके आती हूँ अच्छा ये चौथा ड्रेस है जो तुम चेंज कर रही हो यू आर लुकिंग परफेक्ट कॉन्शियस क्यों हो रही हो हाँ एक मिनट रुको एक मिनट एक काम करो बस ये इयररिंग्स पहन लो ये लो भाभी मेरा ख्याल है मुझे मेकअप थोड़ा सा और कर लेना चाहिए मेकअप ठीक नहीं लग रहा मैं डर लगती हूँ अच्छा ऐसे कहाँ मेकअप करती हो इतना और तुम पे सूट भी नहीं करता है लुक लवली डियर बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची अच्छा मुझे ये बताए ना मैं सुल्तान के साथ बैठी हुई अच्छी तो लगूंगी ना सुल्तान तुम्हारे साथ बैठा अच्छा लगेगा या नहीं ये सोचो समझी क्रेज बढ़ जाएगी उसकी तुम्हारे साथ बैठ के बहुत प्यारी हो तुम झूठ बोल रही हैं आप मेरा दिल रखने के लिए मैं जानती हूँ सुल्तान से मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो और बहुत प्यारी लग रही हो बी कॉन्फिडेंट रुको बस ये थोड़ी सी एसेसरी और डाल दो ओके अरे वाह मनान साहब कहाँ जा रहे हैं हम लोग तुम इंतजार कर रहे हैं जी साले कोई सामान अंदर रखना है निकाल आओ भाई हाँ निकलवा लीजिए बना दो हम चलते हैं चल आ जाओ आइए अस्सलाम वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया ये बस को मिठाई जरा इसकी क्या जरूरत थी तकल्लुफ किया आप लोगों ने अरे आंटी ये तो कुछ भी नहीं है सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में तय हुआ हमें तो मौका ही नहीं मिला अगर हमें पता होता तो हम असरा के शायाना शान सब कुछ करते हैं अब आपका बेटा सुल्तान आपके साथ नहीं आया वो दरअसल हमारे साथ ही निकल रहा था लेकिन उसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया वो कह रहा था कि हमें जल्द ज्वाइन कर लेगा जी जी आ जाएगा जी अम्मा कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है और सारा प्लान खराब हो जाता है लेकिन खाने तक आ जाएगा है ना वेरी प्रोफेशनल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सरवर साहब चलिए आइए ना जी जी आइए आइए आप मनान भाई प्लीज आ जाओ भाई प्लीज तशरीफ रखिए बहुत शुक्रिया
ये तो आप समझ ही गए होंगे मैं सरवर और असरा की वालदा हूँ। अच्छा और मैं सुल्तान की माँ हूँ और ये अब्दुल मनान साहब हैं सुल्तान के अब्बू। बहुत शुक्रिया। ये मुझसे 15 साल बड़े हैं। आप तो जानती हैं ना पहले जमाने में नौकरी और घर देख के शादी कर दिया करते थे। अब जमाना बदल गया, अब बहुत कुछ देखना पड़ता है, जिम्मेदारियों के साथ 1000 किस्म के झमेले होते हैं। ये तलत बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल तो वाकई बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन आप यकीन करें मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा सुल्तान एक बेहतरीन इंतखाब है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सुल्तान एक बहुत अच्छा और जहीन बच्चा है। अब ये सारी बातें तो होती रहेंगी, आप हमारी बेटी असरा को तो बुलाइए। असरा को तो बुलाएं। मैं मिला के लाती हूँ। अली से मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। आंटी आपका घर तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत घर है। अब वो आ गई असरा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची। कैसी हो? I'm good. How are you? आओ आओ शाबाश बैठो यहाँ पे। बहुत प्यारी लग रही है। अब मनान साहब पैसे दीजिए मैं सबका निकाल दूँ। सारे? जी जी जी। ये हमारी तरफ से। इसे तो मैं हमेशा खोलना भूल जाती हूँ। और ये तुम्हारे लिए। ये इसकी क्या जरूरत थी? ये बस मेरी खुशी है, पहली दफा एक नए रिश्ते से मिल रही हूँ, इतना हक तो बनता है ना मेरा। अब जो भी बेटी समझ के खुशी से दें हमें कबूल है। मैं एक मिनट। मेरे सुल्तान यार अड़। मेरे सुल्तान कहाँ रह गए हो तुम? यहाँ सब बेताबी से बल्कि शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जी जी बिजी हो गया था, आ रहा हूँ। क्या बाप हूँ मैं तुम्हारा, अंदाजा है मुझे जितने तुम बिजी हो। अच्छा ना बस आ रहा हूँ। I'm coming। बात हुई? जी जी सुल्तान इज ऑन द वे। ओह लवली। जी उसी से हो रही थी बात। माने ना माने रा दिल माने।